हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एनालिसिस मॉक टेस्ट 1 की, ओली बोर्ड की साइट पे जो हमने जिन बच्चों ने दिया है। तो हम कर चलते चलिए करते हैं स्टार्ट एनालिसिस। तो हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि जो हमने मॉक टेस्ट 1 दिया है उसमें सेफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, सेक्शन वाइज सेफ अटेम्प्ट कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की, जो ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट है वो कितना है। जिन बच्चों ने भी मॉक टेस्ट दिया है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने इस मॉक टेस्ट 1 में अगर उन्होंने 45 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं तो वो उनका अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट है। उनको कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा सिक्योर कर रहे हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। आप अपने तैयारी अपने एंड से अपनी तैयारी को और बढ़ाएं, थोड़ा सा अच्छे से करें तैयारी। अगले मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉक टेस्ट हमने सिर्फ खुद को एनालाइज़ करने के लिए दिया था, ठीक है, कि किस तरह से स्ट्रैटर्जी बनानी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो एंड में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलती की आपने और कैसे उस गलती को सुधारना है। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पे कि जो हमारे सेक्शन वाइज जो हमारा सेफ अटेम्प्ट है वो कितना है, ठीक है। तो अगर जीके की सेक्शन में आप 10 से 15 सिक्योर कर रहे हो, वो भी आपका सेफ अटेम्प्ट है। अकाउंटिंग में आप 12 से 15 सिक्योर कर रहे हो, तो आप सेफ अटैम्प्ट है, वो भी आप काम में। मैथमेटिक्स में आप 3-4 कर रहे हो, कंप्यूटर में 12-15 कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में 3-4 कर रहे हो या साइंस में 3-4 कर रहे हो, तो वो आपका सेफ अटैम्प्ट है इस मॉक टेस्ट के लिए। ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही अगले जो मॉक होंगे हमारे उनके लिए। लेकिन इस मॉक में जो आपका सेफ अटैम्प्ट है वो ये है जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। जो जीके का सेफ अटेम्प्ट है वो है 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अकाउंटेंट्स में अगर आप 12 से 15 मार्क्स ले रहे हो, कंप्यूटर में आप 12 से 15 मार्क्स ले रहे हो, मैथमेटिक्स में 3-4 मार्क्स ले रहे हो, इकोनॉमिक्स और साइंस में 3-4 मार्क्स ले रहे हो, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा अपनी स्टडी को और इनक्रीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी तैयारी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों का जो अटैम्प्ट है, जो मार्क्स सिक्योर है, वो 45 से कम है, ठीक है, उनको भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा देना है, कोई ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे गलती की, किस हिसाब से हुआ। तो चलिए बात करते हैं हमारे अपने ग्रुप की। तो मेरे ग्रुप से जो जिन बच्चों ने मॉक दिए हैं, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर जो आए हैं उसने 62 सही किए हैं, राइट हैं उसके, और 23 जो हैं वो गलत हैं। उसके मार्क्स आए हैं 56.25, वो भी अच्छा है। उसके बाद सेकंड है वो भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, फिफ्थ भी ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये सब कैसे ठीक हैं, क्योंकि इन्होंने अटैम्प्ट किया। जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया उनके लिए तो उनको मैं बोलूँगा कि वो करें। अगर उनको खुद को एनालाइज़ करना है तो वो इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें। मेरे हिसाब से जिन जिन बच्चों ने भी इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उन्होंने खुद को एनालाइज़ कर लिया है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को डिटेल में बताऊँगा कि तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले की, 62 राइट और 23 रॉन्ग। उनके मार्क्स बने हैं 56.25, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा स्क्योर किया है, ठीक है। बस उनको थोड़ा सा खुद पे और फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा इनको इंक्रीज़ करो। तो कंग्रेचुलेशंस। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, जिन्होंने 56 राइट किए हैं एंड 51 रॉन्ग किए हैं,
तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि गैस वर्क ना करें, ठीक है? तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि गैस वर्क ना करें, जहाँ पे आपको जितने जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, जो आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जिसमें आपको लगता है 50-50%, जिसमें आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, अब उस ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज़ उसको छोड़ दें। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, इस जो भी हमारा अकाउंट असिस्टेंट को एग्ज़ाम होगा या कोई और एग्ज़ाम भी होता है, तो उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो अगर आप ऐसे ही रॉन्ग आंसर्स को मार्क करके आओगे एग्ज़ाम में, तो आपका जो मेरिट है वो डाउन जा सकती है, ठीक है? तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि रॉन्ग आंसर को सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है? आप उसको स्किप कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है? लेकिन रॉन्ग आंसर को सेलेक्ट नहीं करना है, जिसका आपको पता नहीं है उस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क है, जो आपके मार्क्स आने वाले हैं वो भी आपके कट सकते हैं, जैसे इस बच्चे के हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आपके जितने क्वेश्चन सही हैं उससे ज़्यादा आपके जो आंसर्स हैं वो गलत हैं, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपकी जो सही कर रहे हो वो तो सही है, लेकिन जो आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को स्किप कर दें जो आपको नहीं आते हैं, जिनमें आपको लगता है कि आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आप सिर्फ उनको ही सेलेक्ट करें, जहाँ आपको जो सही में क्वेश्चन आते हैं आप उनको सेलेक्ट करें, बाकी जो जिनको आपको जिनके आपको आंसर नहीं पता है आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट नहीं करें, मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, ठीक है? यही हमारी जो मॉक टेस्ट देने का मोटिव था, यही था कि क्विज़ देना और ये मॉक टेस्ट युद्ध है, इसको देना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मॉक टेस्ट आप 1.5-2 महीने से दे रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट में और इस मॉक टेस्ट में और जो आप क्विज़ दे रहे हो 1.5-2 महीने से, उसमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। क्विज़ में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मॉक टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो जिस वजह से बड़े सारे बच्चों के जो इस मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें तो उसमें गैस वर्क ना करें, जितना आपको आता हो उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। हाँ, जिसमें आप थोड़ा बहुत गैस लगा सकते हो उस क्वेश्चन में आप गैस लगा सकते हो, लेकिन वो भी लिमिटेड। अब 10-15 या 20 तक आप 20 तक क्वेश्चंस को आप अगर गैस लगाना चाहते हो, वो भी जिसको आपको लगता है कि दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, उनमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको रॉन्ग आंसर्स देने की या अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? तो मैंने तो अपने ग्रुप की रैंकिंग कर दी है, ओवरऑल रैंकिंग तो नहीं आई है इसकी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि जो इस मॉक टेस्ट में जो टॉपर था उसके 96 मार्क्स हैं, ठीक है? लेकिन आपको उसके साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपको आपकी तैयारी में और उस बंदे की तैयारी में बड़ा फ़र्क है। हो सकता है उसने पिछले 2 साल से वो अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो और आप पिछले 2 या 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो सो पैनिक नहीं करें। जिसके जितने भी नंबर आए हैं, जिसके 28 भी आए हैं, मैं उसको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आपने भी बहुत अच्छा स्क्योर किया इसमें, आपके भी 47 क्वेश्चन सही थे। आप इस चीज़ को देखो कि आपके 47 क्वेश्चन सही थे, लेकिन आपने जो 73 गलत कर दिए उसने आपके जो 47 थे उसको भी ख़राब कर दिया। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो राइट आंसर्स हैं, जिनको आपको लगता है ये सही क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करें, रॉन्ग आंसर को सेलेक्ट ना करें, ठीक है? क्योंकि आजकल सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप इस चीज़ को लेके चलें कि आपको वही क्वेश्चंस मार्क करने हैं जो राइट हैं, जो रॉन्ग हैं उसको मार्क नहीं करें। गैस वर्क भी करें, लेकिन बहुत
कम लिमिटेड गेस वर्क करें, ठीक है, इतना ज़्यादा गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से भी कुछ ज़्यादा मेहनत करने की। आप एक स्ट्रैटर्जी बनाएं, ठीक है, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन स्ट्रैटर्जी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। सबसे पहले एक स्ट्रैटर्जी बनाएं, ठीक है, स्ट्रैटर्जी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स जो हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स हैं जो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। आप किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी क्यूज़ दो, कुछ जिस सभी ग्रुप्स को ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे क्यूज़ दो, वहाँ से पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं जो अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हैं, आपको जहाँ से जो अच्छा लगता है, जो पोर्शन अच्छा लगता है आप वहाँ से वो वाला पोर्शन पढ़ें, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ये नहीं देखना आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कौन क्या पढ़ा रहा है, डजेंट मैटर। आपको मैटर अगर आपके लिए कर रहा है तो सिर्फ ये कि आपको कहाँ से समझ आ रही है, आपने कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो सभी चीज़ों एक तरीके से चलाऊंगा मैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको इंश्योर करूंगा कि मेरे ग्रुप से मैक्सिमम सिलेक्शंस होंगी। अगर हमारे ग्रुप में 10 या 12 सिलेक्शंस भी हो जाती हैं तो मेरे लिए बहुत है, मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं तो कोशिश अपने एंड से कोशिश करूंगा कि सभी जितने भी बच्चे मेरे ग्रुप में हैं मैं सबकी सब सिलेक्शन करवा सकूँ। लेकिन अब जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने तो सबको पढ़ाना ही है अपने एंड से, तो जो पढ़ेगा वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा उसको कई और ग्रुप अच्छा लगता है वो किसी और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है। मैंने किसी को मना नहीं किया हुआ, मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा। जिसको लगता है कि मैं उसको मिसगाइड कर रहा हूँ वो मेरे ग्रुप को छोड़ सकता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अब मैं अपलोड करूंगा वीडियोस जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे उनके सॉल्यूशंस, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं आप वो भी देख सकते हो, जो आपके क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी देख सकते हो, जो आपके गैस से सही हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। तो 3-4 वीडियोस मैं डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप बारी बारी से सबको देखिए। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर रखिए अपनी स्टडी को, बस अपनी स्टडीज़ को बंद नहीं करना है, ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो बेस्ट ना जाए। तो आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।